वेलकम बैक गाइस एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं वीडियो आज। तो आपको स्नैपसीड ओपन करनी है, उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपको टूल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको डबल एक्सप्लोजर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको फुल बढ़ा देना है और राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ऊपर देख रहा होगा एरो टाइप, उस पर क्लिक करना है, व्यूज एडिट पे। उसके बाद फिर इधर एरो पे फिर उसका ब्रश सेलेक्ट करना है, उसके बाद ज़ीरो साइज रख के इरेज कर लेना है ग्रीन बैकग्राउंड को, ओके फ्रेंड्स। तो इरेज कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, आप आराम से करना। तो इरेज कर लिया, उसके बाद राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर टूल्स पे क्लिक कर देना है और फिर प्रोबेबिलिटी पर क्लिक करना है और स्मूथ टू पे क्लिक करने के बाद इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन पूरा कम कर देना है और सेकंड वाले को बढ़ा देना है, नीचे वाले को भी बढ़ा देना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद टूल्स पे, उसके बाद शेक्टिव पे क्लिक करना है और अपने फेस की लाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं ब्राइटनेस। उसके बाद नीचे जाना, स्ट्रक्चर को भी हल्का सा बढ़ा देना, उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फोटो एडिट हो चुकी है फ्रेंड्स। कितनी ऑसम दिख रही है फ़ोटो फ्रेंड्स, तो हम सेव कर लिए।